यह आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है 200 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि की सुनहरी तस्वीर कोविड टीकाकरण अभियान की शानदार सफलता के रूप में पूरी दुनिया ने देखी। ये कोरोना की खौफनाक कड़वी यादों के बाद भारत के बेहतरीन कोविड प्रबंधन की सफलता की मिठास है। वजह बेहद खास है। भारत ने कोरोना के खिलाफ 200 करोड़ वैक्सीन डोज का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाकर नई इबारत लिखी है। टीकाकरण की ये यात्रा अद्भुत रही है। भारत जैसे देश में जहां अब भी समाज के कुछ तबके में रूढ़िवादिता है, साक्षरता दर कम है, अंधविश्वास है, वहां कोरोना वैक्सीन को लेकर हर तबके का भरोसा जीतना काबिले तारीफ है। 18 महीने में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में ये कीर्तिमान बनाना बेहतर प्रबंधन और कुशल रणनीति के कारण ही संभव हो पाया। आइए अब बात करते हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा से और जानने की कोशिश करते हैं कि महामारी के बीच ये उपलब्धि कितना मायने रखती है। डॉक्टर अरोड़ा, इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर अरोड़ा, आपको क्या लगता है कि ये जो सफर रहा पिछले 18 महीनों का, कैसे देखते हैं इस सफर को आप? ये गौरवशाली मील का पत्थर अपने साथ बहुत सारी कहानियां लेके आया है। ये कहानी है आत्मनिर्भरता की, आत्मविश्वास की और आत्मसम्मान की। जब 2020 में ये महामारी के बारे में शुरू हुआ, उसी समय शीर्ष नेतृत्व का जो एक गाइडेंस था और उसमें जो डिस्कशन हुआ, उसमें ये क्लियरली निकला कि एक तरफ इस महामारी से बचने का तरीका टीकाकरण रहेगा और दूसरी तरफ ये भी था कि जो टीका है देना और वयस्कों में टीका पहली बार दिया जाएगा, उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से पहले से तैयारी करनी होगी कि हम अपने 140 करोड़ जनसंख्या में ये टीकाकरण कर सकें। तो ये सोच पहले दिन से बनाई गई और जिसको कहते हैं एक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव तरीके से दो क्षेत्रों में एक पूरे पूरे वातावरण या इकोसिस्टम में परिवर्तन लाया गया। एक कि किस तरीके से हम एक वैक्सीन निर्माता से वैक्सीन विकासकर्ता और निर्माता दोनों बन जाएं और दूसरी तरफ वैक्सीन को अपने लोगों को एक संयोजित तरीके से दे सके और जल्दी से जल्दी दे सके, जिससे इस महामारी का अच्छी तरीके से मुकाबला किया जा सके। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में एक जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर। लोगों के मन में हिचक थी। शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो लोगों को लगता था कि इस वैक्सीन से पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता था कि बांझपन की समस्या हो सकती है, भविष्य में कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कुछ के मन में ये भी सवाल था कि बहुत जल्दीबाजी में वैक्सीन बनाई गई है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये जो लोगों की हिचक थी, शंकाएं थी, इसको निवारण करने के लिए क्या कुछ किया गया और इतने सफल परिणाम, इसके पीछे क्या आप स्ट्रेटेजी देखते हैं? वैक्सीन से संबंधित हिचक को निपटने के लिए ये पहले से ही मालूम था कि जब भी कोई नई वैक्सीन आती है, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे बड़ों के लिए, कुछ न कुछ विशेष करना होता है जिससे कि हिचक कम से कम हो। दूसरा ये कि पहली बार वयस्कों को टीका दिया जा रहा था और थोड़ा बहुत जो अनुभव बड़ों में टीकाकरण का था वो 2009, 2010 और फिर बाद में 2011-12 में जो स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के दौरान जो टीकाकरण था जिसमें चिकित्सा कर्मियों को टीका दिया गया था, इन सारे अनुभवों को इस्तेमाल किया गया और एक बहुत ही व्यापक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाई गई। लोगों में जन जागरण की पूरी एक प्रक्रिया तैयार की गई और ये प्रक्रिया को बनाने के लिए इसके दो अंग थे। एक तो ये था कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा और दूसरा वैक्सीन सुरक्षा से संबंधित एक नेटवर्क है, उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए कि लोगों का विश्वास जीता जा सके और उसको बनाए रखा जा सके। और ये बिल्कुल शुरू में मालूम था हमें कि जो हिचक है वो स्वास्थ्य कर्मियों से सबसे पहले आएगी और स्वास्थ्य कर्मी एक बार आश्वस्त हो जाए उसके बाद वो समस्या कम हो जाएगी। इसका मतलब एक बड़ा प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव हम लोगों की सोच थी उस समय ये सोशल मोबिलाइजेशन से संबंधित, और ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी कि जैसे ही
अभी वैक्सीन को रोल आउट भी नहीं किया गया था, उससे पहले ही एक जन जागरण का अभियान शुरू किया गया जिसमें हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी हर तरह के स्टेक होल्डर्स लोगों तक पहुंचने का डायरेक्ट पहुंचने का प्रयास किया गया। जनवरी 16 से मार्च के एंड तक या अप्रैल के उस समय तक एक हिचक थी। उस समय कई बार कहते थे पहले तुम, कई बार जिनको उस समय टीका दिया जा रहा था वो कहता था पहले तुम लगवा लो फिर मैं लगवाऊंगा, यानी कि वो असुरक्षा की भावना या सुरक्षा के प्रति पूर्णतः आश्वस्त ना होना ये था। और ये हमें लगता था कि ये एक लाजमी चीज है प्राकृतिक तौर पे, जैसे आपने बताया कि वैक्सीन इतनी तेजी से बनी थी और इसका अनुभव नहीं था। लेकिन लगातार जो मन में लोगों के शंकाएं थी उनका निवारण किया गया, जो इस एरिया क्षेत्र के जो विशेषज्ञ थे वो चाहे मीडिया में आए चाहे अखबार में आए या डायरेक्टली लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, रिलीजियस लीडर्स के साथ, तो ये बहुत एक इंटेंसिटी के साथ किया गया। और यही कारण है कि मार्च अप्रैल आते आते जो वैक्सीन में थोड़ी बहुत हिचक थी वो वैक्सीन में उत्सुकता और वैक्सीन के लिए उत्साह में परिवर्तित हो गई। देयर वॉज कीननेस टू गेट दी वैक्सीन। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखा गया कि हमें अपने वयस्क हैं उनको वी आर नॉट टू टेक देम फॉर ग्रांटेड, उनको लगातार अवेयरनेस करनी है। और बीच बीच में कोई प्रश्न उठता है तो उसको कारपेट के नीचे नहीं डालना, उसको साफ सुथरे ढंग से पूरे पारदर्शिता के साथ लोगों के साथ बताना है। और अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं वैक्सीन जैसे दी जा रही थी उसके कोई साइड इफेक्ट है तो उसका जो हमारी एक राष्ट्रीय कार्य समिति है इसी तरीके से स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे AEFI कमेटी, AEFI का मतलब होता है कि वैक्सीन देने के बाद अगर कुछ घटना हो उसका पूरा का पूरी जांच होनी चाहिए और बताना चाहिए। तो ये लगातार एक चलता रहा और जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों का विश्वास और बढ़ता गया। और यही कारण है कि भारत में हम लोगों ने लगभग 97-98% वयस्कों को एक टीका कम से कम और 90% को दो टीके लग चुके हैं। यह अद्भुत है और दुनिया में कहीं नहीं हुआ। सोशल मीडिया में भी जो नेगेटिव न्यूज थी वो शुरू के 2-3 महीने के बाद लगभग खत्म हो गई थी। तो कुल मिलाकर के और वो प्रक्रिया आज भी चल रही है क्योंकि समय समय पर लोगों को विश्वास जिताना होता है। और ये साफ तौर पे हमने देखा जब बच्चों के लिए वैक्सीन दी गई तो माँ बाप फिर चिंतित हुए कि बच्चों के लिए क्या ये सुरक्षित है। और उस समय विशेष एक तरीके से आंदोलन चलाया गया, अभियान चलाया गया, लोगों को बताया गया कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। मीडिया ने बहुत ही एक सकारात्मक रोल अपना निभाया है, लोगों में जन जागरण पैदा किया है और शायद पहली बार हम इतने 70-75 साल में देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के बारे में एक जागृति पैदा करी, कोविड के बारे में, कोविड से होने वाले नुकसान के बारे में और कोविड से बचाव के क्षेत्र में, चाहे वो टीकाकरण था या कोविड उपयुक्त व्यवहार था, इन सबको। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि ये एक सतत प्रक्रिया है और इसमें भारत शायद पूरी दुनिया में एक चमकते हुए सितारे की तरह उभरता है क्योंकि सभी ने, चाहे वो एक शीर्ष नेतृत्व की बात करें या आशा की बात करें, सभी ने अपने सामने जिसको टीका लगाना था, जो कोविड से ग्रस्त हो सकता था या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने की जरूरत थी सबको एड्रेस किया। डॉक्टर अरोड़ा, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां पर्वत भी हैं, जंगल भी हैं, नदियों के पार भी गांव बसे हुए हैं, वहां जाकर लोगों को टीका लगाना और इसके साथ जब हर घर दस्तक अभियान शुरू हुआ तो लोगों के दरवाजे पर स्वास्थ्य कर्मियों ने दस्तक दी, पूछा कि आपने टीका लगाया है कि नहीं लगाया है, जो लोग अस्वस्थ थे, बेड रिडन थे, चल नहीं सकते थे, उनको घर पर जाकर टीका की व्यवस्था की गई, ये जो समग्र कार्यक्रम था इसका कुशल कार्यान्वयन के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनी? हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है टीका लगाने का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत और सुदृढ़ किया गया दो तरीके से। एक ये कि जहां जहां ये पहले हो रहे थे उनको देखा गया, साथ ही वयस्कों के लिए टीका लगाना है तो वयस्कों के लिए एक अलग प्रकार की सुविधा की गई। कुल मिलाकर के 5 लाख टीकाकरण केंद्र एस्टैब्लिश किए गए कोविड के लिए और किसी भी समय लगभग 70-80 हजार से लेकर 1 लाख तक टीकाकरण केंद्र एक्टिव थे।
दूसरा कि दूर दराज के क्षेत्र में कैसे पहुंचा जाए और उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज करी गई। ये हम लोगों को पहले से अंदाजा था कि दूर दराज के क्षेत्र में कैसे अरुणाचल में जाना है जहां पर पैदल चलना पड़ा, तो भारत उस इनेगिने प्रथम देशों में था जहां ड्रोन को यूज किया गया, यानी टेक्नोलॉजी को भी पूरी अच्छी तरीके से यूज किया गया। और फिर एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई कि 140 करोड़ लोगों का प्रबंधन कैसे होगा टीका लगने के लिए, और ये हुआ कि कोविन रजी जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो एक तरफ तो टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, दूसरी तरफ नवाचार किया गया कि किस तरीके से पहुंचा जा सके और वयस्कों की सुविधा के हिसाब से किया गया। और यही कारण था कि नवंबर 2021 में घर हर घर दस्तक किया गया। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए था जो बुजुर्ग हैं, जो आ नहीं सकते और कई बार जो बिस्तर पे हैं, खासतौर पर ऐसे लोग क्योंकि वैक्सीनेशन का सबसे ज्यादा फायदा उनको है और रहेगा हमेशा, जो बीमार हैं जिनको और बीमारियां। हमारे देश में तीसरी लहर का कुल थोड़ा ही असर है, लेकिन क्योंकि हम करीब करीब सारे ही वयस्क यहां पर उनको टीका लग चुका है और साथ में प्रकृति के इन्फेक्शन भी हो चुका है, तो ओमिक्रॉन का दुष्प्रभाव हम नहीं देखते। डॉक्टर अरोड़ा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रिकॉशन डोज है और सरकार ने जो आजादी के अमृत कालखंड में 75 दिनों का एक कैंपेन शुरू किया है, इसे कैसे देखते हैं आप? टीका लगने के बाद समय के साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है और इस प्रतिरोधक क्षमता को और सुदृढ़ बनाने के लिए एहतियातन जो डोज है उसका प्रावधान किया गया है। पहले ये 9 महीने के बाद होता था प्राथमिक डोजेस के बाद, अब इसको घटा के 6 महीने कर दिया गया है, तो लगभग सारी जनता इस समय एहतियातन डोज के दायरे में आ जाती है और कोशिश की जा रही है कि करीब करीब हर एक को घर के नजदीक और मुफ्त मिल सके। अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम 75 दिन के लिए, तो उसमें मेलों में भी टीके लगेंगे, रेलवे स्टेशन पे जहां भी भीड़ भाड़ है, पूरे देश में अलग अलग सामाजिक धार्मिक जो समारोह है उनमें ये वैक्सीन का एहतियातन टीका दिया जा सकेगा। डॉक्टर साहब, 200 करोड़ डोज की उपलब्धि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यहाँ से आगे की क्या रणनीति है और क्या लक्ष्य है? पहली बात कि कोविड अभी हमारे चारों तरफ है और कोविड वायरस है वो समय समय पर अपना रूप और स्वरूप बदलता रहता है और उसकी अपनी क्षमताओं में भी परिवर्तन होता है। सौभाग्य से पिछले साल भर में ऐसा कोई नया वायरस नहीं आया जो गंभीर बीमारी करे, लेकिन संक्रमण काफी तेजी से हो सकता है, तो एक तो सावधान रहने की जरूरत है और कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन करते रहना जरूरी है, खास तौर पे भीड़ भाड़ के क्षेत्र में। दूसरा, ये टीकाकरण अभी जो फिलहाल है हमारे पास भारत में निर्मित 5-6 नए टीके भी हैं, उनका भी एहतियातन डोज के लिए और बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और होगा। तीसरी चीज, भारत ने अगली जेनरेशन की कोविड वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा लिया है। भारत सरकार कुछ कंपनियों को और शैक्षणिक संस्थानों को सहयोग दे रही है कि इस तरह की वैक्सीन बन सके जिसका प्रभाव ज्यादा वायरसों पे हो और ज्यादा लंबे समय तक रहे, उस बारे में किया गया है। लेकिन यहाँ फिर कहना चाहूंगा कि कोविड अभी है और कम से कम 5-6 महीने जो संयम हम लोगों ने बरत के दिखाया है उसको बनाए रखें। डॉक्टर साहब, अंत में पूरे देशवासी ये जानना चाहते हैं कि जैसा आपने बताया वैक्सीन पर काम हो रहा है, क्या आने वाले समय में कोई ऐसी दवाई भी बन सकती है या फिर नेजल स्प्रे पर भी काम हो रहा है जिसको खाने के बाद ये बीमारी खत्म हो जाए? वो एक सतत प्रक्रिया है कि वायरस इन्फेक्शन के लिए दवाइयां बनना, क्योंकि वायरस के ऊपर बहुत कम दवाई असर करती है, तो वो काम बिल्कुल देश के अंदर बहुत सारी लेबोरेटरीज में और निर्माता कर रहे हैं उसके बारे में। और साथ ही साथ एक नई तरह की वैक्सीन, आपने नेजल वैक्सीन के बारे में मेंशन किया कि वो वैक्सीन भी है जो शायद ज्यादा प्रभावी रहेगी, अभी उससे आंकड़े आने बाकी हैं, वो भी दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन होगी। लेकिन कुल मिलाकर के 3 दिशाओं में काम हो रहा है, एक तो नई वैक्सीन के बारे में, नई दवाओं के बारे में, और इसी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए जो बिस्तर हैं उनमें जो सुविधाएं हैं आईसीयू की, और साथ ही साथ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भारत में ही बनाना और डायग्नोस्टिक किट्स बनाना जो आसानी से घर पे हम लोगों के लिए सुविधाजनक तौर पे इस्तेमाल किए जा सके। डॉक्टर अरोड़ा, इस पूरे विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए और इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 200 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।